Hello everyone, my name is Richa. Welcome to my YouTube world. And today in this video, I'll be talking about my experience, or you can say my learnings from my pregnancy journey. So let's get started. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई दिस वीडियो. हमारे पास तो बहुत सारे मीडियम्स हैं ये पता करने के लिए कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है. पर मुझे पर्सनली क्या लगता है कि हम किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, वो है एक्सपीरियंस, या फिर अपने एक्सपीरियंस से या किसी और के एक्सपीरियंस से. और मेरी भी एक जर्नी रही है प्रेगनेंसी की. आई एम मदर ऑफ 8 months क्यूट लिटिल डॉटर, उसका नाम है वान्या. सो मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी से बहुत कुछ सीखा है, और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी एक्सपीरियंस से कोई और कुछ सीख पाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. तो ठीक है, हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की जो मैंने सीखे हैं, और जो मैंने कुछ ढंग से नहीं भी किए अपनी प्रेगनेंसी में उसके लिए भी मैं बात करूँगी. तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स के लिए. तो पहला पॉइंट होता है कि हमें व्हेन शुड वी गो फॉर प्रेगनेंसी और व्हेन शुड वी प्लान अ चाइल्ड. तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि व्हेन यू आर फिजिकली, मेंटली और फिनेंशियली, इन तीनों चीज़ों में अगर आप रेडी हैं, देन ट्राई फॉर प्रेगनेंसी और ट्राई फॉर अ चाइल्ड. क्योंकि हमें सिर्फ बच्चे को बर्थ देना से ही हम पेरेंट्स नहीं बनते, हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं आगे. फिनेंशियली डजेंट मीन कि आपके पास बहुत पैसा हो. हर कोई अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे को एक लाइफ देना चाहता है. अगर आप उतने उस हिसाब से रेडी हैं तो गो फॉर इट. मेंटली यू शुड बी मेंटली रेडी कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एंड बहुत कुछ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर हैप्पीली एग्री टू एक्सेप्ट इट, देन गो फॉर इट. और फिजिकली तो यू नो, इफ़ यू आर फिजिकली स्ट्रांग इनफ, इफ़ यू आर फिजिकली रेडी, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो गो फॉर इट. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि जब आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली रेडी हैं तो गो फॉर प्रेगनेंसी और गो फॉर अ चाइल्ड. और हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, मतलब हर किसी की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है. तो आप किसी के भी प्रेगनेंसी को किसी और की प्रेगनेंसी से कंपेयर मत करो. बेसिकली डोंट कंपेयर योर प्रेगनेंसी विद अदर्स. लाइक किसी, कैसे लोग कंपेयर करते हैं कि यार उसकी तो बेबी मूवमेंट्स होने लग गई, मेरी बेबी मूवमेंट्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं, और उसका बेबी बम्प इतने महीने में आ गया था, मेरा बेबी बम्प नहीं आ रहा, क्या मेरी बेबी की ग्रोथ सही नहीं है. सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है और सबकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है और एक्ट करती है. तो इट्स ओके अगर आपके डॉक्टर आपकी सारी प्रोग्रेस से ओके है, तो इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू कंपेयर. हर बच्चा भी अलग रिएक्ट करता है, तो इट्स ओके. सो डोंट कंपेयर. इससे क्या होता है, अननेसेसरी आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस लाते हैं कि आप उसको गूगल करेंगे, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे लोगों से पता करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में उस चीज़ की वजह से स्ट्रेस आ जाएगा. और सबको ये बात पता है कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस इज नॉट अ गुड थिंग, सो डोंट कंपेयर दैट. अब आप मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि व्हेन शुड वी गो फॉर प्रेगनेंसी, वो मेरा बहुत अच्छे से हमने सही टाइम पे प्लान किया था. सेकंड पॉइंट देखेंगे तो मैंने उसमें भाई मास्टर्स ले लिया था, मैंने कभी अपनी प्रेगनेंसी को किसी और की प्रेगनेंसी से कंपेयर नहीं किया. ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ सही की, कौन सी नहीं की, जो मैं फर्स्ट पॉइंट में बताना भूल गई थी, बट अब मैं बताऊंगी. ठीक है, ओके. थर्ड पॉइंट है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है, डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली. हम क्या करते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या सही है, क्या गलत है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं बताती हूँ कुछ मिथ्स कैसे होते हैं. जैसे ईट फॉर टू, आपके पेट में एक बच्चा है सो यू शुड ईट फॉर टू. दैट इज द बिगेस्ट मिथ. हमें दो लोगों का खाना नहीं खाना होता, हमें हेल्दी खाना खाना होता है, हमें अकॉर्डिंग टू अपनी भूख खाना खाना होता है. बट ऐसा नहीं है कि यू शुड ईट 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 इट, दैट इज नॉट करेक्ट. तो इस तरह से कोई भी चीज़ अगर आपको कोई कुछ कहता है या फिर कहीं से आप ये चीज़ सुनते हैं, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें. पहले पता करें इज इट रियली अ फैक्ट और इज इट अ मिथ. ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं. इस वाले पॉइंट में तो मैं प्रो थी, मैंने कुछ भी, कई लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते थे,
कोई कहता था इस टाइम पे वर्क ज़्यादा करो, कोई कहता था इस टाइम पे हमें रेस्ट ज़रूरी है, बट जो मेरी बॉडी जैसे मुझे सिग्नल्स देती थी या जैसे मेरे डॉक्टर मुझे कहते थे मैं उसी हिसाब से फॉलो करती थी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि इस वाले पॉइंट में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इस वाले पॉइंट का बताती हूँ मैं आपको क्या है। ये वाला पॉइंट था कि हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए अबाउट प्रेगनेंसी, दैट आई डिड। मीन्स कि यू शुड नो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यू शुड नो बेबी की ग्रोथ कैसे होती है। लाइक मैंने क्या किया था, मेरे पास एक ऐप थी जिसमें हम मेरे को ये पता चलता था कि मेरे बेबी का साइज़ किस कैसा है, तो वो ना कंपेयर करके बताते थे। जैसे कि अभी आपका बेबी रेसबेरी साइज़ का है, अभी आपका बेबी पम्पकिन साइज़ का है, ब्रोकली साइज़ का है, तो वो ये सब चीज़ें मैं देखती थी। इस टाइम पे बेबी की कौन सी चीज़ें बननी शुरू होती हैं ये सब मैं फॉलो करती थी। बट दे शुड नॉट ओवर डू इट, ये मेरी गलती थी, आई ओवर डिड। मीन्स जैसे इवन आपको पता है जब मेरा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती थी, उस रिपोर्ट पे भी जो जो लिखा होता था मैं उनको भी गूगल करती थी। मतलब जैसे एक होता है ना, मुझे सब जानना होता था बहुत ज़्यादा, शायद मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ आई थिंक। बट ठीक है, पर इतना नहीं करना चाहिए। पता है उसके ना कई दिन ऐसे होते थे कि मैं रात भर लगी रहती थी कि अच्छा ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला ऐसे होता है तो इससे कुछ होगा तो नहीं, इससे अच्छा है क्लैरिफाई कर लो डॉक्टर से। बट मैं ना बहुत ज़्यादा खुद रिसर्च करती थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट ओवर डू इट, अपने आप को एजुकेट करना इज़ वेरी नाइस बट डोंट ओवर डू इट। ठीक है, अब आते हैं अपने पांचवे पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट भी मैंने ठीक ठीक किया, शुरू शुरू में थोड़ा अलग बट बाद में ठीक हो गया था। पांचवा पॉइंट ये है कि आपको ना अपना डॉक्टर पे बहुत ट्रस्ट करना होता है। मीन्स यू शुड ट्रस्ट योर डॉक्टर। पर अगर आपको लगता है कि आपका मतलब आपको ना बहुत ध्यान से डॉक्टर चुनना चाहिए, पहले अच्छे से डॉक्टर देखो, हॉस्पिटल देखो, अच्छे से करो इस चीज़ को। और अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं कोऑर्डिनेट हो पा रहा है डॉक्टर से, तो आप चेंज करो, बट उसी डॉक्टर के साथ कंटिन्यू करो जिसके साथ आप बहुत ट्रस्टफुली कंटिन्यू कर पा रहे हो। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि हमारा हॉस्पिटल अच्छा था, हमने डॉक्टर चुना, हमारा डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस ले रही थी वो, और अच्छे से। पर शुरू शुरू में मुझे लगा ना कि मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ उन डॉक्टर से, तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है अभी हम एक ही अपॉइंटमेंट, दो अपॉइंटमेंट हुई है, वी शुड गो फॉर थोड़ा सा और देखते हैं, अगर इफ हम फिर भी कनेक्ट नहीं कर पाए तो वी विल चेंज। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, मेरा ट्रस्ट उनके साथ बहुत बिल्ड होने लगा, और मतलब मुझे लगा कि मैं उनको मतलब समझ पाई। एक्चुअली क्या था ना, वो जीरो रिस्क पे चलते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो दे विल गो फॉर अल्ट्रासाउंड। फिर मुझे लगता था कि इतने अल्ट्रासाउंड क्यों करा रहे हैं, पर ठीक है, मतलब ट्रस्ट बिल्ड हो गया था और मुझे 100% श्योर था कि अब मैं सेफ हैंड्स पे हूँ। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने बाद में अपना ठीक कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट इज हमारे पास, हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि हमें कुछ चेंज हुआ, या फिर मान लो आपको कहीं पे पेन हुआ, या कुछ कुछ भी तुम्हारी बॉडी में अलग हुआ, तो हम सोचते हैं अरे छोड़ो, हो सकता है प्रेगनेंसी में होता हो। कोई भी चेंज जो आपको पता है कि इस टाइम पे मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर आपको हल्का सा भी डाउट है, तो उसके लिए बात करें। कई बार क्या होता है ना कि उस चीज़ को अटेंशन चाहिए होती है। तो द थिंग इज, जब भी आपको लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं पता, इट्स ओके अगर वो छोटी सी चीज़ है, ज़्यादातर क्या होगा आपको बोलेंगे नहीं नहीं इट्स नॉर्मल, बट यू शुड ऑलवेज आस्क। ऐसे मत सोचो कि यार लोग क्या सोचेंगे या डॉक्टर क्या बोलेगा, यार हम लोग, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और ये आपको समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, उस चीज़ को अगर सही टाइम पे अटेंशन मिल जाए तो वो चीज़ सही हो जाती है। तो अपने आप मत सोचो हर चीज़ को कि शायद प्रेगनेंसी में होता होगा, दिस इज़ नॉट राइट। ये तो मैंने बहुत ही अच्छे से किया, मतलब इवन शुरू शुरू में क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता है चीज़ नॉर्मल है कि नहीं है। तो आई ऑलवेज यूज़ टू आस्क माई मदर कि ऐसा होता है क्या। अब पता है क्या होता है, कई चीज़ें ना, हर किसी की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, कई चीज़ें आप फील करते हो बट आपके बड़ों ने फील नहीं की होती। तो जो मुझे कोई नहीं बता पाता था, या फिर जो मुझे लगता था कि नहीं ये बहुत ही अलग हो रहा है, तो मैं हमेशा अपने डॉक्टर से पूछती थी। हाँ वो, और वो बहुत अच्छे से बताते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि आप क्यों पूछ रहे हो या ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत अच्छे से बताते हैं आपको। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, वो है, ये भी मैंने शायद ठीक ठाक कर लिया था। मेरे को ये लगता है कि हमारी मतलब वी शुड रिस्पेक्ट आर चेंजेस, मतलब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, इवन हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करने चाहिए।
जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं या कुछ होता है, तो उसमें गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि मैंने यार उसको ऐसे क्यों बोला या ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपसे कुछ हो गया, आप उसको जाके बोल दो कि यार ठीक है, यू नो ऐसा ऐसा हो रहा है, सॉरी ऐसा हो गया। और घर पे तो आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, दे अंडरस्टैंड ना, तो गिल्ट पे मत जाओ। ठीक है, आप देखो कि आपकी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकली भी हो रहे हैं, हार्मोनल भी हो रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट करो। मत सोचो कि यार मैं इतनी मोटी हो रही हूँ, मैं इतनी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। उसको इंजॉय करो कि आप अभी मोटे हो रहे हो और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन ईट एनी थिंग एंड स्टिल बी हैप्पी। ठीक है, और अगला पॉइंट इज लाइक मेरे लिए तो 100% बहुत अच्छा था, आपके लिए भी आई विश अच्छा हो। जैसे कि हमें ना पार्टनर सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, ट्रस्ट मी बहुत चाहिए होता है। अब देखिए कैसे, किन किन चीज़ों में, मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं जो बहुत जल्दी उठते हैं और रात में बहुत जल्दी सो जाते हैं। और मुझे क्या होता था ना, आई थिंक सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे पता नहीं क्यों रात में, मतलब ऑड टाइम्स में बहुत भूख लगती थी। मुझे क्रेविंग नहीं होती थी किसी चीज़ की कि मुझे यही खाना है, बट मुझे भूख लगती थी कि मुझे कुछ खाना है। और ऐसी भूख लगती थी ना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वो भूख, मुझे तुरंत कुछ चाहिए होता था खाने के लिए। तो 90% और मेरे हस्बैंड के ऐसे कि उनको एक प्रॉपर नींद चाहिए होती है, एक प्रॉपर टाइम तक। तो ऐसा अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हाँ, मतलब वो होते हैं डिस्टर्ब उन चीज़ों से। बट उस टाइम क्या होता था कि जैसे ही उन्हें लगता था कि मैं उठ रही हूँ बेड से, तो वो पहले मुझसे उठ के, मतलब 90% ऑफ द टाइम वो मेरे लिए खाना लाते थे। तो अगर अब मैं उस टाइम, अगर वो अच्छे से सपोर्ट नहीं करते, कुछ चिढ़ जाते, ऐसे बोलते कि तेरी प्रेगनेंसी की वजह से बड़ी मेरी नींद खराब हो रही है या कुछ हो रहा होता है, तो शायद मैं उस चीज़ को अवॉइड करती और शायद जो मुझे भूख में खाना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाता। बट वो उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, कभी कभी दिखाया भी नहीं मुझे कि उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे रात में सोने में कभी कभी जैसे ढंग से अनकंफर्टेबल, मतलब ढंग से नहीं सो पाती थी, तो भी वो उठ उठ के पूछते थे, या फिर मुझे कुछ चाहिए होता था तो भी वो पूछते थे। तो इससे मुझे लगा हाँ इट्स ओके, मतलब उनके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इस चीज़ से। तो मैं अभी बहुत आराम से उनको बोल देती थी कि ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। कभी कभी तुम्हें हार्मोन्स चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाती है, और अगर आपका हस्बैंड आपको ये बोले या तेरी प्रेगनेंसी से बड़े परेशान हो गए हैं, तो आपको फालतू में वो चीज़ ख़राब लगेगी ना। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो ये है सारे पार्टनर्स के लिए, जो हस्बैंड्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनको अब इस टाइम पे अपनी बीवी को बहुत पैम्पर करना चाहिए, बहुत खुश रखना चाहिए। सो करो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए तो मेरे को 100 मार्क्स दिए मैंने अपने हस्बैंड को। ठीक है, आप भी मुझे बताना कि आपके हस्बैंड्स के कितने मार्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमें ना अपनी प्रेगनेंसी एक्टिव रखनी चाहिए। इसमें आई वॉज गुड, एक्चुअली मेरे को ना कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो फिर इसलिए भी आई वॉज गुड। तो आपको क्या करना है, अच्छा खाना है, हेल्दी खाओ, और छोटी छोटी मील्स को बार बार खाओ, और एक्सरसाइज करो। मतलब आपकी डॉक्टर आपको बताएंगी वैसे कब से आप यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, तो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करो और कंसर्न से कीजिए। ये एक पॉइंट है, हर किसी को अलाउ नहीं होता, हर किसी की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। किसी किसी को बोलते हैं आपको बेड रेस्ट पे जाना है, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशन देन गो फॉर इट। आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे ना आपको डिलीवरी टाइम में और उसके बाद थोड़ी हेल्प मिलती है। मेरा मानना तो ऐसा है कि आई थिंक अगर आप ना अपने लाइफ स्टाइल में अगर एक्सरसाइज और वर्कआउट रखते हो, तो आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी स्मूथ होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके लिए हाँ आई वॉज गुड, मतलब मैं हाँ, पर अपनी बॉडी को पुश नहीं करती थी। जैसे आज मुझे लग रहा है कि मैं इतना नहीं कर सकती, तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती थी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। इसमें तो मैंने कुछ कुछ लोचे किए थे, बट चलिए बात करते हैं। इसमें ये था कि हमें ना, हमें लोग बहुत अच्छे हैं यार, मैंने ये देखा है कि मतलब टुवर्ड्स प्रेगनेंसी तो लोग अच्छे हैं। तो हमें क्या लगता है कि हमें पता है कि हम प्रेग्नेंट है, बट कई बार दूसरे को नहीं पता आप प्रेग्नेंट हो। ऐसा क्या होता है, जैसे जो इनिशियल स्टेज होती है ना, उसमें आपकी बॉडी में इतने चेंजेस तो दिखते नहीं है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो, बट आपको नहीं भूलना ना आप प्रेग्नेंट हो, और चीज़ों को फॉलो करना होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि एक बार मैं, आई थिंक 4th मंथ था मेरा चल रहा,
तो एक बार ना कैब में मुझे, उससे मेरे पे इतने चेंजेस नहीं थे, मतलब आप मुझे देख के बोल नहीं सकते थे कि ये प्रेग्नेंट है। तो और मेरे क्लोज वंस को बता दिया था मैंने, पर बहुत लोगों को नहीं पता था। तो कैब में मुझे किसी ने बोला कि अर्टिका में पीछे बैठने के लिए, कि सबसे पीछे बैठ जाओ प्लीज़, क्योंकि वो लेट आई थी तो उनको पीछे बैठना था, पर उनको थोड़ा वो होता है जैसे वॉमिट सेंसेशन वगैरह होता है पीछे बैठ के। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पीछे बैठ जाओ मेरी जगह। तो मैंने बोला कि, और मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आपको जग्स अवॉइड करने हैं, बट पता नहीं मैंने क्यों बोला कि ठीक है, और मैं पीछे बैठ गई। तो उस पीछे बैठने की वजह से क्या हुआ, उस दिन मुझे रात में थोड़ा सा बैक पेन हुआ। और मैंने खुद ये सोचा कि ये मैंने बहुत गलत किया, मतलब कि चलो मुझे कुछ नहीं हुआ, अब किसी के साथ कुछ मिसअप हो सकता है कुछ, मतलब ये वो छोटी चीज़ें, बट अगर हम बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे अवॉइड कर देंगे, नहीं बताएंगे लोगों को कि हम प्रेग्नेंट हैं और हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकती है। तो अच्छा होगा कि आप बता दो कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी मैं नहीं बैठ पाऊंगी। वो लोग समझते हैं, वो क्या बोलेगी, किसी और को शिफ्ट कर देगी तुम्हारी जगह, तो वो कोई इशू नहीं होता। कई बार लोग रूट चेंज कर देते थे जब इनिशियली, तो मेरे को ऐसा लगता था, पता नहीं मैं क्यों नहीं बोलती थी, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों नहीं बोलती थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप रिस्क मत लो, अगर आप बोलोगे, अगर लोगों को कई बार नहीं पता चलता, अगर आप बोलोगे उनको तो दे विल अंडरस्टैंड, दे विल हेल्प। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि प्रेगनेंसी में ये नहीं होता, कई आदमियों को नहीं पता होती, कई चीज़ें नहीं होती, तो आप उन्हें बता दो कि ऐसा नहीं कर सकती मैं, ट्रस्ट मी दे अंडरस्टैंड। मतलब ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा अच्छी नहीं थी। तो दिस वॉज माई लर्निंग, मतलब आप इन सब चीज़ों को, अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब एक्चुअली क्या हुआ, मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, सब कुछ ठीक ठाक था, तो जो थोड़ा मोड़ा होता है सबका मेरे साथ भी था। बट मेरा जो डिलीवरी वाला दिन था ना, दैट इज़ रियली ह्यूज। मतलब उस दिन बहुत सारी चीज़ें हुई, और उस दिन कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसी पता चली जो सरप्राइज शॉक, ऐसे में थे हम। और ना मेरी एंड्योरिंग पावर भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को पता है कि मेरी एंड्योरिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है। पता नहीं क्या बाहुबली बन के गई थी मैं, मतलब मैं बताऊंगी आपको वो आने वाली वीडियोस में कि कैसे, क्या दिन था वो। मतलब एक ऐसा दिन था मेरा, वो डिलीवरी वाला दिन, जो मुझे एक एक सेकेंड याद है उसका, इवन उसके बाद का भी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मैं अपनी प्रेगनेंसी डिटेल में भी आपसे शेयर करूंगी, और मैं दिस ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो प्रेग्नेंट है, ये उनके लिए भी है जिनके घर में कोई प्रेग्नेंट है या फिर जिनके पार्टनर्स प्रेग्नेंट हैं। तो आपको अगर इससे कुछ सीखने को मिलेगा, इससे कोई हेल्प मिलेगी, तो आई विल बी लाइक मोर देन हैप्पी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ और डिटेल में बात करूं, या कोई पर्टिकुलर आपको टॉपिक चाहिए, तो अगर मैं कर सकती हूँगी, मुझे उसके बारे में कुछ पता होगा, तो मैं पक्का आप लोगों के लिए करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम अपनी प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर वाइज शेयर करेंगे। और ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छा सेशन हो सकता है, आप मुझे बताइए कि आपके आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ था जो मैंने गलत किया, सही किया, या आपके कौन कौन से पॉइंट्स थे जो आपने बिल्कुल सही किए। और उसके बाद हम और भी बहुत सारी बातें शेयर करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी, और एक वीडियो मैं स्पेसिफिकली बनाऊंगी अपनी डिलीवरी डे का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता, सीरियसली, और जो आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।